हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेटनोवाइट सी क्रीम के बारे में। इससे रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं कि ये जो क्रीम होती है ये कैसे काम करती है, मतलब कितने रुपये की मिलती है, क्या इसके अंदर साल्ट होता है और क्या इसका यूज़ होता है, मतलब किस किस जगह पर इसको यूज़ में लिया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर कोई इसको ज़्यादा लगाता है या वो गलत तरीके से लगाता है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है और क्या इसके साइड इफेक्ट है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तभी आप इस क्रीम के बारे में पूरी नॉलेज ले पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बेटनोवाइट सी क्रीम, इसके अंदर जो है तीन साल्ट का कॉम्पोजिशन होता है। नंबर फर्स्ट होता है इसमें बीटामेथासोन, इसके अलावा इसमें होता है क्लियोक्विनोलोन और लोडोहाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोलोन। तो ये इसके अंदर साल्ट होते हैं तीन, जिसमें बीटामेथासोन जो होता है वो स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है और क्लियोक्विनोलोन जो है वो एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवा है। लोडो क्लोरोहाइड्रोक्सीक्विनोलोन जो है वो एंटीफंगल इफेक्ट देता है। तो ये तीन साल्ट इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट। इसके प्राइस की बात करें तो ये 50 रुपये से लगाकर 60 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसको बनाती है GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। इसकी पैकिंग जो आती है वो 30 ग्राम की ये क्रीम आती है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस टाइप से ये देखने में होती है। और अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर तीन कॉम्पोजिशन है, एक स्टेरॉइड है, एक एंटीबायोटिक है और एक एंटीफंगल है। तो ये तीनों तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काफ़ी अच्छी क्रीम होती है, जिसमें आपके कोई बैक्टीरिया की वजह से आपके स्किन पे एक्ने पिंपल होते हैं, दाने बनते हैं, या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपकी स्किन पे, तो उस कंडीशन में अगर इस क्रीम को अप्लाई किया जाए तो ये बेहतर कर देती है, ठीक कर देती है। इसके अलावा उसके स्किन पर फंगल का कोई इन्फेक्शन है जिसमें उसको क्या होता है दाग से बनते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइप के दाग से बनते हैं, या फिर उसको ईचिंग होती है, खुजली होती है, बहुत दाद बनता है, और इसके अलावा उसको रेडनेस आती है, उस पर स्वेलिंग आती है, तो उस कंडीशन में अगर इस क्रीम को लगाया जाता है तब भी ये उसको ठीक कर देता है, मतलब बैक्टीरिया से और फंगल से होने वाले इन्फेक्शन को ये ठीक करता है, स्किन पे जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसमें वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना अगर डॉक्टर ने आपको बोला है उससे ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपकी स्किन पे इरिटेशन कर सकता है, ईचिंग कर सकता है, या फिर बर्निंग सेंसेशन फील होगी, रेडनेस आ सकती है, स्किन जो पतली हो सकती है, थिन हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए लगाने के लिए बोलते हैं उतने दिन ही आप इसको लगाएँ, उससे ज़्यादा इसको नहीं लगाएँ। उससे ज़्यादा अगर आप अपनी मर्ज़ी से खुद इसको लगाते हैं तो आप 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आप इसको लगा लेते हैं, जिससे आपको घातक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लगाने का सही तरीका क्या होता है। तो इसको लगाने का सही तरीका जो होता है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें या फिर वॉश कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद में ड्राई कर लें किसी साफ कपड़े से, उसके बाद में जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर भी आपके दाग दाग है या ईचिंग होती है, दाने से बन रहे हैं, तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। और इसको रब नहीं किया जाता, बस उसके ऊपर अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई किया जाता है, पूरी स्किन पे इसको रब नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और इसको सोने से पहले अगर आप लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये हमने आपको दोस्तों बेटनोवाइट सी क्रीम के बारे में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस दवा के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके और उनको अच्छे से इसके यूजेस के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।